फैक्ट्री लैब में ही मेरा थर्ड डे था और ये था उस सुबह का हाल। कंप्लीट वाइट आउट, इतने बड़े बड़े पहाड़ थे सामने, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ठंड है, मुंह से धुएं निकल रहे हैं, आज क्या होगा मेरे एक्सकर्शन का, ये मौसम तो बहुत खराब हो गया है। ये ले जी, आधे घंटे में ही मौसम क्लियर हो गया। थैंक गॉड। इन फ्लफी रुई जैसे बादलों ने व्यू बहुत अच्छा बना दिया था और तो और माउंट नीलकंठ भी फिर से देखने को मिल गया। फाइनली आज जाके नीलकंठ माउंटेन की पीक थोड़ी दिखने लगी है, कल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मौसम क्लियर हो रहा है, आई होप ये और क्लियर हो तो और अच्छे से पूरा दिखाई दे। So, मैं निकली हूँ माना के लिए टैक्सी ढूंढने के लिए। आई डोंट नो, यहाँ पे बुकिंग पे टैक्सी मिलती है, कह रहे हैं 500 रुपीज पर ट्रिप, चाहे जितने भी लोग जाएं। आई एम लुकिंग फॉर अ शेयर टैक्सी, लेट्स सी मिलती है कि नहीं। मिल जानी चाहिए वैसे होपफुली। ये वाला जो चौक है इसी के पास में यहाँ बहुत सारी टैक्सीज लगी हुई हैं जहाँ से आपको माना के लिए जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी। सो अगर आपको माना चीपर वे में जाना है तो इट्स बेस्ट दैट यू फाइंड सम पीपल जो कि आपके साथ शेयर करके टैक्सी जाना चाहें, तो वही 500 रुपीज़ बट के इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। सुबह के वाइट आउट के बाद अब ये वाला मौसम इज सो सनी एंड सो प्रिटी। फाइनली मुझे कपल मिल गया टैक्सी शेयर करने के लिए और हम चल दिए माना। The way to Mana is extremely beautiful. अगर मेरे पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम होता तो मैं डेफिनेटली वहाँ तक वॉक करके जाती, जी भर के तसल्ली से उस ब्यूटी को देखते हुए। So, सारी टैक्सीज माना में यहाँ पार्क होती है और उसके आगे हमें पैदल जाना है और वापस भी यही आना होगा टैक्सी बोर्ड करने के लिए। So, let's go and explore Mana. भारत के अंतिम गाँव माना में आपका स्वागत है, let's go. हमारे भारत के अंतिम गांव माना की गलियां। ये गलियां मुझे थोड़ा थोड़ा गौरीकुंड की याद दिला रही थी, पर ये उससे कहीं ज्यादा कलरफुल थी। भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा, तो किधर जाएं पहले? डिसाइड डिसाइड डिसाइड। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं भीमपुल की तरफ पहले जाऊंगी, देखते हैं भीमपुल कैसा है। सरस्वती नदी के ऊपर बहता है, सॉरी भीमपुल सरस्वती नदी के ऊपर है। सो या लेट्स चेक इट आउट। सो वी आर क्लोज टू भीमपुल, कहाँ है देखते हैं और कैसा है देखते हैं। भीड़ जबरदस्त है भीमपुल पे, वो भीमपुल है और ये उसके नीचे सरस्वती नदी बह रही है। वो दिस इज सो ब्यूटीफुल। वो जो दो पत्थर है, पहले मुझे लगा कि वो भीमपुल है, बट बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि मैं जहाँ खड़ी हूँ वो भीमपुल है। बट लेट्स जस्ट टेक अ फ्यू सेकंड्स टू अप्रिशिएट दिस ब्यूटी, कितना सुंदर है। पुल पर बना हुआ एक मंदिर है, मुझे अभी ये नहीं पता है किसका मंदिर है, लेट्स फाइंड आउट। ये था सरस्वती माता का मंदिर, नीचे सरस्वती नदी बह रही है और ऊपर ये मंदिर, मेक सेंस, जैसे यमुनोत्री गंगोत्री है कुछ कुछ वैसे ही। ये मंदिर से व्यू था और इतना सुंदर था कि यहाँ से मेरे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर जितना हो सकता था उतना जी भर के देखा। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, वो भी हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है, ये भी है, सही है, हिंदुस्तान की आखिरी दुकान आए हैं तो एक चाय तो बनती है, काफी मीठी चाय है, बहुत मीठी। उन चाय की दुकानों के आगे सच में कुछ नहीं था, थोड़ा सा ऐसे ही वॉक करके आगे गई तो देखा नदी का और वैली का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। लौटने का रास्ता वहीं से था तो थोड़ी देर और रुक के नदी को देखा, मन ही नहीं भर रहा था। और वहीं भीमपुल के पास में मुझे एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम मिली जो पहले मुझे लगा सरस्वती नदी का पानी है।
पानी भरा जाए। ये पानी जो है ना ये आता है कैलाश मानसरोवर से। वाओ, ये सरस्वती का पानी नहीं है। ये जो रिवर है ना रिवर, हाँ, ये सरस्वती है। हाँ, ये अलग है, ये अलग है, ये अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड है, ये मानसरोवर से आ रहा है। पत्थर को काट के जो है ना अंदर अंदर से आ रही है। वाओ, हेलो फ्लफ बॉल, निन्नी हो रही है धूप में। जिम्मी है, जिम्मी 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 जिम्मी, सोजा सोजा सोजा। तो हम आ गए हैं श्री गणेश गुफा, पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल। लेट्स गो इनसाइड। फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने दर्शन करके वहीं बैठे पंडित जी से यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी ली। गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। मणिभद्र नाम का यक्ष था, एक पुष्पक विमान जो रावण छीन के यहाँ से ले गया था उसका रक्षक था, उसी के नाम से यहाँ का नाम मणिभद्रपुरी हुआ है। दूसरा ऐसा कहते हैं कि मणि श्रेष्ठ को बोलते हैं, भद्र पुरुष को बोलते हैं, पूरे स्थान को बोलते हैं। तो पुरुषों में श्रेष्ठ जो ऋषियों को कहा जाता था, संतों को, तो ऋषि लोग संत लोग यहाँ निवास करते थे, उनके नाम से भी इस क्षेत्र का नाम मणिभद्रपुरी हुआ। धीरे धीरे बोलते बोलते मणिभद्रपुरी का भ्रंश होकर माणा हो गया। जो पर्वत यह है जहाँ जहाँ जिस पर हम बैठे ये पर्वत है नर पर्वत, सामने वाला पर्वत है नारायण पर्वत। भगवान नर और नारायण जो चौथे अवतार थे भगवान के, यहाँ तपस्या की थी दोनों ने, तो नर के नाम से नर पर्वत पर, नारायण के नाम से नारायण पर्वत पर। दो नदियाँ बहती हैं, उधर से अलकनंदा है, इधर से सरस्वती है। अलकनंदा गंगा की आदि धारा है, मूल धारा जो है अलकनंदा है। इनका यहाँ पे सरस्वती के साथ संगम होता है, उसको बोलते हैं केशवप्रयाग। स्थान पे हम बैठे हैं, इस क्षेत्र का नाम आता है भागवत में सम्याप्रास। सम्याप्रास नाम के स्थान पे भगवान के 17वें अवतार आए थे कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन भी जब यहाँ आए तो वेद परंपरा बिखरी हुई थी, जो वेद थे वेद मंत्र थे वो बिखरे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन मंत्रों का संग्रह करके उसको चार भागों में बांट दिया। अधिक उन्हें जो शाम अथर उनको उपाधि मिली वेदभ्यास में। उसके पश्चात उन्होंने विचार किया है कि वेद मंत्र बड़े कठिन हैं, सरलता से समझ नहीं आएंगे हर किसी के। तो वेद के अंदर तीन चीज़ें थी, ज्ञान कर्म और उपासना। वो तीनों तत्व जो है सबके पास पहुँचे। उसके लिए जो है पंचम वेद के रूप में इतिहास और पुराण, महाभारत और 18 पुराण की रचना की। सूर्य को उपदेश दिया और कहा कि इनका जो प्रचार करो। तो जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था तो व्यास जी के मन में एक विचार आया कि कलयुग में इनको याद करने वाला जो नहीं होगा कोई इतने बड़े बड़े ग्रंथों को, तो इसलिए इनको जो लिपिबद्ध किया जाए। तो द्वापर के अंत तक जो लिखने की परंपरा कम थी, मौखिक परंपरा में सारी ज्ञान परंपरा चलती थी। तो गणेश जी का स्मरण किया था, ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर हम बैठे हैं इसी स्थान पर गणेश जी प्रकट हुए थे। गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं लिखूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, रुक गया तो चले जाऊंगा। तो गणेश जी के दो नाम हैं, विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता। अच्छे कार्य करेंगे तो गणेश जी की पूजा नहीं भी करेंगे तो भी जो विघ्नहर्ता विघ्न नहीं करेंगे, और गलत मार्ग पे चलेंगे पूजा करें लड्डू चढ़ाएं दुर्गा चढ़ाएं गणेश जी विघ्न करेंगे ही करेंगे, क्योंकि गलत मार्ग पे विघ्नकर्ता। तो व्यास जी ने सोचा कि तो जगत कल्याण का कार्य है, गणेश जी विघ्न नहीं करेंगे। और उन्होंने बुद्धिपूर्वक कहा कि महाराज रुकना नहीं लेकिन जो सोच समझ के आगे लिखना, पहले समझना फिर आगे लिखना, ऐसी दोनों में शर्त हुई थी। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे, बीच बीच में जो है व्यास जी को समय चाहिए होता था, कोई कथा प्रसंग याद करना है, कोई नया याद आ जाए या संध्या वंदन करना है, तो एक कूट श्लोक, कूट पासवर्ड जिसको हम कहते हैं आजकल, तो उसको जो है जैसे पासवर्ड को खोलने के लिए लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं, वैसे जैसे श्लोक का अर्थ निकालने में लाखों करोड़ों बार सोचना पड़ता था, अलग अलग अर्थ निकलते थे, उसका सही भाव निकालने में गणेश जी को समय लगता था। तब तक वो अपना जो है नित्य कर्म संध्या वंदन जो कथा प्रसंग याद आ जाए उसका जो है नई तरीके से बना के फिर से बोलने बैठ जाते थे। ऐसे करके जो है व्यास जी बोलते गए थे और गणेश जी स्थान पर बैठ के पुराण और महाभारत की कथाओं को लिखते गए थे। ये स्थान है उच्चारण किया था उस बच्ची ने। एनीवे, ये था परिक्रमा का मार्ग जो कि गुफा के अंदर से होके जाता है।
26-year-old did such a lovely mantra charan. Itna clear, aapne video mein bhi dekha hoga. She's from Bangalore and she's now saying goodbye. Bye. Take care and keep it up. Yes. Wow, ye dekho Pune se mile hai mujhe jitne mera video dekha tha. This is so good. Nice to meet you. Savior. Nice meeting you. Nice to meet you. So, Vyas Gupa ja rahe hain hum. और ये थोड़ा सा चढ़ाई है, हल्का सा। वो रही व्यास गुफा। कानपुर से बहुत ही अच्छी कंपनी मिल गई मुझे माना के पूरे विजिट में। बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं आप सभी लोग देखें और जो है एंजॉय करें माना को। ये हम पहुंच गए हैं श्री व्यास गुफा। That's the gufa. This holy cave is 5,326 years old. Wow. कैसा लग रहा है आपको माना गुफ के? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार पहुंचे हैं तो बहुत अच्छा लगा, सारे वेद व्यास की गुफा देखने को मिली। This is the cave, व्यास गुफा। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो आई कांट शो यू इनसाइड, लेकिन गुफा बहुत, इट फील्स वेरी ओल्ड, एंशिएंट एक्चुअली, इट्स अमेजिंग। ये एक और भारत की आखिरी चाय की दुकान मणिभद्रपुरी माणा। व्यास गुफा में बस एक ही शिकायत थी, बड़ी जल्दी जल्दी भगा दिया उन्होंने, मैं ढंग से अच्छे से देख भी नहीं पाई। फटाफट चलो 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 टीका लगाया, चलो 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 चलो। बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल गुफा। व्यास जी की मूर्ति थी ब्लैक कलर की, बहुत सुंदर। बट या कांट शो यू। अब मैं जा रही हूँ केशव प्रयाग। ये एक कच्चा रास्ता है, होपफुली ये हमें पहुँचा देगा संगम तक। लेट्स सी। केशव प्रयाग के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, वही पता चला और जैसे ही पता चला वैसे ही देखने की इच्छा भी जागी। इस ट्रेल तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा ट्रिकी था बट लोकल्स की हेल्प के थ्रू मिल गया। ये सरस्वती नदी है और यही आगे जाके संगम पे अलकनंदा से मिलेगी। I felt super blessed कि मैं वो संगम देख पाई और सरस्वती नदी का पानी भी टच कर पाई। लौटते वक्त मुझे ये लेडी मिली जिनका लोकल अटायर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। इसमें ये क्या है? ये मांग है हमारा, ये स्वागत है जो जिनका आज नहीं होता वो नहीं पहनते। She was very sweet, उन्होंने मुझे अपना हेड स्कार्फ भी ट्राई करने दिया। मैंने गुंडी पहना है, ये यहाँ का लोकल है हेड स्कार्फ और इसको सहारा लिया। हमारा शादी होता तब पहनते हैं, शादी होती तब पहनते हैं, मैं ऐसे ही पहन रही हूँ। कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही है। कितना सुंदर है ये। सो यहाँ पे हो गया है माणा गांव का भ्रमण खत्म और अब मैं जाऊंगी बद्रीनाथ जहाँ से मेरी बस है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय इट एंड लाइक इट, बाय। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।